नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। यहां पर फ्री मेगा आई कैंप लगा हुआ है, जहां पर हम मरीजों से और वहां पर जो पेशेंट हैं और जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वहां लगातार बात करें। यहां सांसद नाम जी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में है, एक माता का ऑपरेशन हो चुका है। जानते हैं कि यहां पर उसका कैसे ऑपरेशन हुआ है, फ्री में जो आई कैंप लगाया है उसके अंदर किसी तरीके का पैसा लिया गया है या नहीं लिया गया है, किसकी प्रेरणा के पे हुआ है ये। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? दन्ना मैम। आप आज डेरा सच्चा सौदा में आपका ऑपरेशन हुआ है, तो किसी तरीके का पैसा लिया गया है? ना। आँखों का ऑपरेशन हुआ है? हाँ। तो आप कब आए थे? कल परसों, हम तो कई दिन हो रहे, कल हुआ हमारा ऑपरेशन। तो आपका यहाँ पर देखभाल सही से रखा जा रहा है? हाँ। मैम, ये जो डॉक्टर्स हैं, आपके डॉक्टर्स लगातार आपका ध्यान रख रहे हैं, किसकी प्रेरणा पे रख रहे हैं? सत्संग उस गुरुजी की पे। गुरुजी का धन्यवाद करना चाहोगे? और लोगों से अपील क्या करना चाहोगे कि गुरुजी को की जरूरत है आज समाज को? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि इनका अभी ऑपरेशन हुआ है और इनको यहाँ शिफ्ट किया गया है। 2-3 दिन इनकी देखभाल करी जाएगी, फिर इनके इसके बाद इनको घर भेजा जाएगा। और जैसा कि आप डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है, एक पेशेंट के बाद पास वॉलंटियर्स जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि उनको किसी भी तरीके का अगर वॉशरूम ले जाना है, खाने से पानी से दिक्कत, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने दे रहे। मैम, जो इनके खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है वो कौन रख रहा है? स्टाफ रख रहे हैं मैम। डेरा वॉलंटियर्स? हाँ जी। किसी तरीके का पैसा लेते हैं वो लोग? नहीं मैम, कोई पेमेंट वगैरह नहीं लेती जाती, फ्री दे विच पेशेंटों के ऑपरेशन किए जाते हैं। मैम, आप लोग इतनी मतलब दिन रात लगे हुए हैं 24 घंटे, किसकी प्रेरणा से लगे? हमारे गुरु की प्रेरणा से मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि ये गुरु की प्रेरणा से इतने लोगों को रोशनियाँ मिल रही हैं, मगर आज चौथा स्तंभ कहाँ पर है, जिसको दिखाना चाहिए था कि फ्री में आँखें दान तक, यहाँ पर आँखें तक लगाई जा रही हैं, फिर ये न्यूज़ आखिर आज तक क्यों नहीं आई उन दिग्गज चैनलों पर मीडिया के, जहाँ पर एक के बाद एक जो खबरें परोसी गई थी निंदकों के द्वारा। आप भी अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या वो लोग नहीं चाहते कि रोशनी मिले लोगों को, या वो लोग नहीं चाहते कि मेरे देश का भला हो? क्या ये एक तरीके का देशद्रोह का कार्य नहीं? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।